and this is the whole AC control unit. As you can see, this is how it looks from the back of my stereo. As you can see, it's a cute little stereo but a bit outdated, so now I'm gonna replace it with a very good machine. The new stereo which I'll be installing is a touch screen. Yes, and अभी बस स्टीरियो आने वाला है. चीज़ अगर आप लोगों के पास Hyundai Ion है तो और आपको एक टच स्क्रीन सिस्टम इंस्टॉल करना है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है भी आप लोगों को जो ये आउटर फ्रेम है गाड़ी का जो जहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम फिट होता है वो आपको न्यू परचेज़ करना पड़ेगा. बिकॉज़ ये जो आप देख रहे हैं जो कि कंपनी स्टॉक सिस्टम के साथ आता है इसमें कोई भी कटआउट नहीं है आपके टच के लिए. सो या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी और ये फ्रेम आपको सेपरेटली 1000-1200 के बीच में मिल जाएगा. टेल यू दैट अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मेरी गाड़ी में चूहा घुसा था तो यहाँ पर एक आई बटन होगा उसमें जाके देख लो. सो गाइज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, जस्ट सी बी चूहे ने मेरी गाड़ी की जो ऑडियो वायर है जो कि स्टीरियो के पीछे जाती है उसका क्या हाल किया है. एक बार खुद देख लो और ये देखो सबूत भी है, बी फुटप्रिंट्स ऑफ द माइस. So yeah, rodents are very, you know, can cause a lot of damage to your vehicle. So make sure आपकी गाड़ी scented हो, गाड़ी में अच्छी fragrance रखो because जो rodents है उनको अच्छी fragrance बिल्कुल नहीं पसंद. और एक गलती कभी भी मत करना, mouse trap कभी मत लगाना because mouse trap में ऐसे ingredients use होते हैं जो कि mouse को पहले attract करेगा तभी उसको पकड़ेगा. तो in case अगर नहीं भी कुछ आना हुआ तो भी कुछ आ जाएगा. So don't ever put a mouse trap. Instead of that, start using good fragrance in your car and you know just usko saaf rakhne ki koshish karo jitna aap rakh sakte ho. Guys, I'm finally back home and the system has been installed. So let me just show you how the system looks after fit and finish. This is how the system looks like. As you can see, second, this is the system and this whole frame has been changed. And I'll, you know, link down the model number of this stereo for you guys in the description below. And it also says that the main reason for me to buy this was because it came with Apple CarPlay compatibility. So that was the main reason why I bought this one. So let me just turn it on. So the stereo is on. Do not watch and operate the unit. Driving, follow your location, traffic laws and regulation. That's for safety. Home screen and Bluetooth is connected as you can see. So the Bluetooth logo is active. This is for FM. This is for phone call. This is for USB. This is for AUX. And this is for rear camera and settings of the device. The touch as you can see. So it is showing my phone signals and my Bluetooth as it is connected. So it's not showing the correct time now, right now, but I'll set it in the settings. So now I'll be connecting it to Apple CarPlay. So guys, अब मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा एप्पल कार प्ले के साथ अपना आईफोन. तो ये देखो जैसे कि स्क्रीन पर डिस्प्ले हो ही रहा है, जस्ट आपको एक अपनी यू एस बी वायर चाहिए और इसको अपने आईफोन में जस्ट आपको कनेक्ट करना है ऐसे. तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा आईफोन हो गया अनलॉक और एकदम से यहाँ पे एप्पल कार प्ले की ऑप्शन आ चुकी है. यहाँ पे आपको एक बार ये ज़रूर पूछेगा डैट, मैंने एक बार ही पहले कनेक्ट कर लिया था तो वो अब ऑप्शन पूछ नहीं रहा है. तो जैसा कि गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या फीचर्स हैं. ये आपका होम बटन है, ये आपकी होम पेज ऐसा है, यहाँ से यू कैन डायल योर फोन नंबर. जैसे कि सीरी पूछती है अभी किसको कॉल करना है तो शो कॉन्टैक्ट्स करके सीधा आप रिसेंट में जिसको भी आपका कॉल लॉग है वो, और आपके फेवरेट्स में ये आ गया डायल पैड. तो बाकी आपका जो म्यूज़िक है जो भी यहाँ पे सारी जितनी भी प्लेलिस्ट है वो आ जाएगी. आपको गूगल मैप्स भी मिलता है यहाँ पे, प्लस आपका टाइम और LTE सिग्नल भी है यहाँ पे. और गाइस यहाँ पे आपको व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने का भी ऑप्शन है, आई मैसेज सेंड करने का भी ऑप्शन है, एंड यू ऑल्सो हैव ऑडियो बुक. और पॉडकास्ट का मुझे इतना कुछ पता नहीं भी क्या सीन है, बट ओवरऑल मेरा मेन ये सिस्टम इंस्टॉल करने का यही रीज़न था भी आई हैव एप्पल कार प्ले कंपैटिबिलिटी. और अगर आपको बेसिक सिस्टम देखना है तो बेसिक सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था. सो ओवर हियर देयर वाज अ शॉर्टकट. एंड गाइस वन मोर थिंग, यहाँ पर आपको एक माइक भी इंस्टॉल
के दिया जाता है इस किट में, ताकि आप अपने यू नो ब्लूटूथ के थ्रू कॉल्स रिसीव और आंसर कर। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट माय न्यू म्यूजिक सिस्टम, एंड जितनी भी इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है सारी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। एंड गाइस, अगर आपको पता करना है अभी ये मैंने कहाँ से लगवाया, जस्ट हिट मी अप इन द कॉमेंट सेक्शन, तो मैं आपको बता दूंगा। एंड येस, ये इस मॉडल का कॉस्ट है 15,000 MRP, बट मैंने 13,500 में इंस्टॉलेशन प्लस दिस फ्रेम, जो ये फ्रेम है गाड़ी का, ये भी एक्स्ट्रा आता है, तो सब कुछ इंक्लूडेड था 13,500 रुपये में। तो या गाइस, कल्ला अगर आपको सिस्टम लेना है तो वो आपको 12,000 रुपये का पड़ेगा। सो या गाइस, दैट वाज ऑल, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ लेना, इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे पूछ लेना। सो या गाइस, दैट वाज ऑल, एंड क्लिक राइट ओवर हियर टू सब्सक्राइब, एंड क्लिक राइट ओवर हियर टू वॉच माय लास्ट वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, साइनिंग आउट, पीस आउट।